वैसे मुझे भी इसका नाम है, मुझे इसका नाम अंकल ने बहुत अच्छा लगा है। तो दोस्तों आप लोगों ने ट्रेलर तो देख ही लिया होगा। जब भी मैं इस क्लिप को देखता हूं तो देखने के बाद मेरे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि सेफ्टी और सिक्योरिटी के नाम पे कुफरी के अंदर क्या चीज है। और दोस्तों आज का ये वीडियो इसी पर बेस है। आज मैं आपको अवेयर करना चाहता हूं, कभी भी आप शिमला जाएं तो शिमला जाने के बाद हम सभी जैसे लोगों का प्लान होता है कि उनको कुफरी जरूर जाना है। कुफरी सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। शिमला के बारे में अगर हम बात करें, जैसे मनाली जब आप कभी जाते हैं तो सोलांग वैली एक फेमस पिकनिक स्पॉट है, और इसके बाद आपका गर्मियों के दिनों में रोहतांग पास है, और अब तो अटल टनल भी शामिल हो चुका है। लेकिन इसी तरह से शिमला जब कभी हम जाते हैं तो शिमला में सबसे मेन स्पॉट है कुफरी। तो हम लोगों ने भी डिसाइड किया, जब हम अभी मार्च के स्टार्टिंग में गए थे शिमला, एक फैमिली ट्रिप थी। इस ट्रिप के अंदर चार किरदार हैं मुख्य, और साथ में दो बच्चे भी हमारे साथ गए हैं। पहला मैं खुद, दूसरा मेरी वाइफ सपना, और मेरी सिस्टर इन लॉ भारती और उनके हस्बैंड साहिल, और फिर मेरी बिटिया रानी कृधा, और भारती और साहिल की बिटिया कृषा। तो दोस्तों हम लोग भी बहुत इंजॉय करते हुए सुबह हमने गाड़ी पकड़ी, जो आप पीछे मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे गाड़ी चल रही है, और गाड़ी पकड़ करके हम लोग जो हैं वो पहुंचे कुफरी। और कुफरी पहुंचने के बाद हमारे ड्राइवर ने जहां पर हमें ड्रॉप किया वहां से हमने हॉर्स राइडिंग के लिए टिकट के बारे में बात करी, क्योंकि हमें हॉर्स राइडिंग करनी थी। हॉर्स राइडिंग के अलावा आप जिप्सी भी कर सकते हो, ड्राइवर ने हालांकि बता दिया था हॉर्स राइडिंग खतरनाक होती है, और पिछली ट्रिप पर भी जब मैं शिमला गया था 2-2.5 साल पहले तो मैंने हॉर्स राइडिंग करी थी, लेकिन रिस्की था, लेकिन ये नहीं पता था कि अब की बार ये हो जाएगा जो आप लोगों ने ट्रेलर में देखा। दोस्तों आप लोग को अवेयर करने के लिए कि नेक्स्ट टाइम आप कभी भी जाएं तो इस चीज को बहुत ही दिमाग में बैठा लें कि आपको ये राइड करनी है कि नहीं करनी है या कुछ और करना है। इसके बारे में सारा वीडियो आज बेस्ड है। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताना स्टार्ट करते हैं, सुबह हम लोग उठे अर्ली मॉर्निंग, रेडी हुए, और उसके बाद लगभग हमने कैब करी अपनी 10 बजे के आसपास निकल गए कुफरी के लिए। कुफरी शिमला के मॉल रोड से लगभग 30 मिनट के आसपास होगा हम लोग कुफरी पहुंच गए। कुफरी पहुंच करके ड्राइवर ने हमें ड्रॉप किया था, वहां पर हम लोग पहुंचे। इस वीडियो में आप सब चीजें देखेंगे एक करके, मैं सिर्फ आपको स्टार्टिंग में बैकग्राउंड पूरा स्टोरी का बता रहा हूं। वहां पर हमने टिकट के लिए बात करी, उसने हमें बताया 500 रुपये हॉर्स राइडिंग के लिए, और अगर आप एडवेंचर एक्टिविटी करना चाहते हो तो 1000 रुपये पर पर्सन कुफरी के उसी टॉप पॉइंट पर जाकर के आप कर सकते हो। लेकिन हमने स्टार्टिंग में डिसाइड कर लिया था कि हमें सिर्फ हॉर्स राइडिंग करनी है। हॉर्स राइडिंग के लिए हम लोग निकल पड़े, जो आप इंजॉय भी करेंगे। जाते वक्त बहुत डर लग रहा था सभी लोगों को, और वापस आते टाइम वो डर का लेवल और बहुत ज्यादा बढ़ गया। जो असली मेन प्रॉब्लम ये होती है कि जब ये जो हॉर्स जो हमारे चला रहे होते हैं, जो हमारे साथ में लोग जा रहे होते हैं, वो हॉर्सेस पे ध्यान देते नहीं है, हॉर्सेस को कई बार छोड़ देते हैं, वो अकेले ही चल रहा होता है, या 3-4 एक साथ हॉर्सेस जा रहे होते हैं। जैसे हमारे साथ आप देखेंगे इस राइड के दौरान 4 हॉर्सेस जा रहे हैं, मैं और सपना बैठे हैं, बीच में 2 हॉर्सेस अकेले ही चल रहे हैं। और मेरे साथ तो ये हुआ कि जो मेरे आगे वाला हॉर्स था वो मेरे पीछे वाले हॉर्स को आगे नहीं निकलने दे रहा था, और कई बार तो ऐसा हुआ कि वो खाई में मेरे हॉर्स को धकेलना चाह रहा था। तो इस तरह की कई बार प्रॉब्लम आती रही, बहुत डर लग रहा था, लेकिन भगवान का नाम लेके बजरंग बली का मैं चल रहा था। कुछ टाइम बाद जैसे आपने ट्रेलर में देखा, चलते 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 लगभग 10 मिनट बाद सडनली एक सामने से बहुत तेजी से 2 लोग जो हॉर्स राइडर हैं वो दौड़ लगाते हुए एक दूसरे को कंपटीशन करते हुए आगे आए। मेरे पैरों पर उन्होंने बहुत एक घुटने पर हिट किया, लेकिन मैं थोड़ा सा अंदर बेंड किया तो मैं बच गया, और पीछे जो भारती आ रही थी उनसे जाकर के वो डायरेक्ट उनके लेग पर बहुत तेजी से वो हॉर्स टकराया, और ये इंसिडेंट हुआ। वैसे मुझे भी इसका नाम है, मुझे इसका नाम अंकल ने बहुत अच्छा लगा है। क्या हुआ भारती, पैर में लग गई क्या? लग गई है क्या? हाँ मेरे ख्याल से। वहां पर हमें रुकने को चांस नहीं मिला, घोड़ा चल रहा था, लेकिन हम लोग बहुत पैनिक में आ गए। भारती लिटरली रोने लगी, हम लोग को भी अंदर से बहुत दुख हो रहा था, लेकिन फिर भी नीचे पहुंचना था। नीचे पहुंचने के बाद हमने कंप्लेंट के बारे में पूछा, लेकिन सब लोगों की मिली भगत होती है,
वहां पे कोई सुनवाई नहीं है। तो ये जो राइड थी वो एडवेंचरस थी, लेकिन इस तरह की जब कोई दुर्घटना हमारे साथ हो जाती है तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग के साथ ऐसी कभी दुर्घटना हो। इस चीज को माइंड में रख करके आप करिएगा और सतर्क रहिए, कभी भी आप कुफरी जाएं हॉर्स राइडिंग करें तो आपके साथ ये दुर्घटना हो सकती है। क्योंकि ये हॉर्स राइडर क्या करते हैं, आपको एक बार ऊपर ड्रॉप कर देते हैं तो इन्हें कई सारे पैसेंजर लेने होते हैं, फिर ये नीचे जाते हैं, फिर पैसेंजर लेकर के आते हैं, तो ऐसी कई सारी चीजें होती हैं। तो ये लोग जल्दी से ग्राहक तक पहुंचने के लिए रेस लगाते हैं, रास्ते में रेस लगाते हुए ये नहीं ध्यान दे रहे थे कि सामने की ओर से कौन आ रहा है, और कई बार बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटना भी हो जाती है। ऐसा हमें ड्राइवर ने भी बताया कार में जो हमारे साथ चल रहे थे। और बताइए क्या आपके फीडबैक है, क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ दुर्घटना हुई है, शिमला में ना हो कहीं और हुई हो इस तरह की मिस हैपनिंग, तो आप बता सकते हैं। We'll be right back.